बाद होने जा रही है नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री। जी हाँ, बता दे आपको कि नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होने जा रही है द कपिल शर्मा शो में। अर्चना पूरन सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की जगह पर बीते एक साल से नजर आ रही हैं। शो में कपिल अक्सर सिद्धू की जगह लेने को लेकर कमेंट करते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि कपिल शो में आए मेहमानों के सामने भी अर्चना पर कोई ना कोई टिप्पणी कर देते हैं, जिसका कनेक्शन सीधे सिद्धू से जुड़ा होता है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो से खुलासा हुआ है कि अब शो में नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होने वाली है। बता दें आपको कि इस वीडियो को मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने इंस्टाग्राम में साझा किया है। वीडियो को साझा करते हुए शिल्पा ने लिखा, कपिल शर्मा ने जब शो पर बुलाया तो अलग सा हंगामा छाया। इस वीडियो में शिल्पा शेट्टी सिद्धू के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सिद्धू की ड्रेस में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद कपिल शर्मा है। बता दें आपको कि इस वीडियो से इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले एपिसोड में जबरदस्त धमाल देखने को मिलने वाला है। शिल्पा शेट्टी कपिल के शो में अपनी आने वाली फिल्म हंगामा 2 का प्रमोशन करने पहुंचेंगी। इस फिल्म के साथ शिल्पा बॉलीवुड में 13 साल बाद वापसी कर रही हैं। आखिरी बार शिल्पा बड़े पर्दे पर अपने फिल्म में नजर आई थी। हालांकि शिल्पा सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहती हैं। बता दें आपको कि नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो बीते साल पुलवामा आतंकी हमले पर बयान के बाद बवाल मचा था, और इसके बाद बता दें आपको कि यहां तक कि उनके कपिल शर्मा शो छोड़ने की भी खबरें आने लगी थी। उस वक्त सिद्धू ने अपने बयान में कहा था, चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे देश को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये हमला वाकई में कायरता का सबूत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और ऐसी कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि चुनाव की वजह से सिद्धू ने शो से ब्रेक लिया है। बाद में सिद्धू की जगह शो में अर्चना की एंट्री हुई। हालांकि उस वक्त टीआरपी में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। शो में अर्चना की एंट्री कैसे हुई, इस बात का खुलासा अर्चना ने किया था। वहीं बता दें आपको, अर्चना ने कहा था, सिद्धू कपिल के शो से 2 हफ्तों के लिए गए तो कपिल ने मुझे महज 2 एपिसोड में आने के लिए फोन किया। जब सिद्धू को चुनाव प्रचार के लिए दोबारा जाना पड़ा तो मुझे और एपिसोड में आने के लिए कहा गया। मैं शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्योंकि स्टेज के पीछे और स्टेज के आगे पूरी कास्ट ज्यादातर कॉमेडी सर्कस की थी। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।